करते हैं फाउंडेशन एंड डेफिनेशन से. सो दिस डेफिनेशन इज़ फ्रॉम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, डेट इज़ 2019. चेक कर सकते हैं आप लोग. ग्लोरा ब्रूनल और एलिनोर बर्केट राइटर्स हैं जो कि करते हैं फेमिनिज्म द बिलीफ इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस या जेंडर. और इसका मतलब ये है कि तीन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है और फेमिनिज्म इनके ऊपर बेस करती है, डैट इज़ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी. और ये तीन पॉइंट्स आप लोग लाजमी नोट कर लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे और इंशाल्लाह इसकी बेस के ऊपर हमने पूरी की पूरी एपिसोड डिवाइड की हुई है. तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्री क्लेम्स हैं वो पूरी की पूरी फेमिनिज्म के. सो फाउंडेशन कब रखी गई थी फेमिनिज्म की, डैट इज 1837. और फर्स्ट मैन हु यूज्ड फेमिनिज्म वर्ड डैट इज चार्ल्स फॉर्नियर, एंड डैट इज यूटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसफर. और सेकेंड टाइम इसको यूज़ किया गया था 1872 को, डैट इज़ अगेन इन फ्रांस एंड नीदरलैंड्स. और ये वाला जो रेफरेंस है ये डच फेमिनिस्ट पॉइनियर मीना क्रूसमैन इन अ लेटर टू अलेक्जेंडर डूमस से लिया गया. ये लेटर लिखा गया था उसके अंदर ये चीज़ मैंशनड है, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दे मैंशन फेमिनिज्म वर्ल्ड. बट एक चीज़ यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 1837 को फर्स्ट टाइम ये यूज़ हो गया वर्ड, लेकिन इसको पूरी पूरी दुनिया में बाहर लाने के लिए 1960s तक वेट करना पड़ा था. 1960s में सेकेंड वेव जनरेट हुई थी फेमिनिज्म की, तब एक्चुअली फेमिनिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया था. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके टाइम पीरियड के अंदर, ये सब नोट कर लें. 1837 से लेकर 1960 तक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है. इससे पहले, इसके दरमियान गूगल पेलग्राम से अगर हम चेक करें तो फेमिनिज्म वर्ड तो बन गया था लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ था, दुनिया में सामने नहीं आया था.